नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। योगी सरकार के दुश्मन बने उन्हीं के अधिकारी योगी सरकार को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। दरअसल अधिकारी रोड बनाने को लेकर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। उत्तर प्रदेश सरकार न खाऊंगा न खाने दू का नारा, गड्ढा मुक्त का दावा जमीनी हकीकत, धाराशाही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार को बदनाम कर रहे उन्हीं के अधिकारी 15 साल से रोड में गड्ढा नहीं, गड्ढे में रोड था। 20 किलोमीटर पचबेड़वा से जैतापुर गड्ढे में रोड तब्दील था। आइए आपको लेकर चलते है कि जिला बलरामपुर पचबेड़वा से जैतापुर 20 किलोमीटर का बन रहा रोड 4,96,00,000 का बजट है रोड बनाने का, लेकिन कैसे रोड बनाने के ठेकेदार अधिकारी और नेता मिलकर मानक विहीन रोड का निर्माण कर करोड़ों का घोटाला करने में लगे हैं और वही योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पुराने ही रोड को बिना जेसीबी से खनाई किए बिना पुराने रोड के ऊपर गिट्टी डस्ट पाट कर रोलर चला कर समतल कर के ऊपर से डामर का लेपन कर रोड का निर्माण कर रहे हैं। ठेकेदार अधिकारी इन्हीं कार्यों को देख कर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर रोड पर धरना प्रदर्शन का नारा लगाए, हमारी मांगे पूरी करो, रोड का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मानक का दुरुपयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किए। वही मानक विहीन बन रहे रोड सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों को मनाने के लिए आदिवासी अभियंता राम नरेश गुप्ता घटना स्थल पर पहुंचकर बन रहे रोड की गुणवत्ता जांच किए, उसमें गुणवत्ता विहीन पाया। ग्रामीणों को समझा बुझा करके धरना खत्म करने के लिए अनुरोध किए, वही सही रोड बनाने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जमीन खोदा नहीं जाए, वही के ऊपर गिट्टी पड़ जाए। कि गलत कही नहीं चली, जैसे गाड़ी गन्ना चली तैसे गड्ढा होई, फिर गड्ढा हो जाए। हाँ, फिर गड्ढा हो जाए। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, रोड पतला है, उसको खोदा नहीं गया, जिसी दिन से उजाड़ कर उसके बाद फिर इस पर गिट्टी गिरा दिया। अच्छा, रोड खोद करके नहीं बना रहे हैं, उसी के ऊपर से बना रहे हैं। हाँ, जिसी दिन से। तो कितना दिन तक ऐसे चलेगा रोड? अभी 2-4 महीना चलेगा, फिर फिर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें भ्रष्टाचार का जड़ है कि नहीं? और पहले चौड़ा था, अब और पतला है, एक गाड़ी आ जाती है। अच्छा, ठीक। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।